सुना होगा भाई जी, कितनी बार गाया, पर ये भजन कब बढ़ा था, क्यों बढ़ा था, बहुत कम लोग जानते हैं, आप तो जानते हैं। सदगुरु महाराज ने एक ऐसा तप किया शमशाना के अंदर, ऐसी तपस्या करी कि आज दुनिया में शमशाना धाम रोशन। और जितने भी सदगुरु महाराज के लाड़ किसी से है दरबार लगाते हैं, जिसने भी सच्ची श्रद्धा और विश्वास अपने सदगुरु के चरणों में रखे हैं उसकी जय जयकार हो रही है, गलत तो नहीं भगत जी। पर जिसने लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया, समझ ले उसका पचड़ा फेर। गुरु महाराज ने गति दी है लोगों को भला करने के लिए, भाई बाबा के दरबार में जो है उसका भला हो, यही बात है भगत जी। जब यू भजन बनाया ना, चाह बनाता ही चिंदी भी नाती गुरु महाराज के घर में, कोई इस बात पर विश्वास करेगा भगत जी? पर यह सच्चाई, आज तो चार और मुरारी मुरारी हो रही है, पर उसने भजन कराया है, तप कराया है, वो टाइम पे देखा गुरु महाराज ने, आंखा में पानी आ गया जब ये भजन बना था, मेरी बिगड़ी बात बना दी, वो बनता के रखवा। ये बात तो काफी लंबी है लेकिन उसका बताने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि समय नहीं है, लेकिन सतगुरु महाराज ने जो मेहनत करी जो तप कराया उसका फल हम खाने लागे। आज लाखों लोग उसके नाम पर रोटी खा रहे हैं। सोचने वाली बात ये, उस समय वो भजन बनाया था, डुबोला बाबा जी न्यू बेच दिख रहा होगा तो फिर तो ला लिया दरबार, पर कदे न्यू नहीं करे उसने, जिसने भी दरबार दिया एक बात कही भाई न्यू ना करियो, मैं बैठा मेरे पता ले लिया सोवे थारी उठाई दोनों हाथों, बड़ा सुंदर भजन है। What do you hear?
Thank you.